हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वेल्थ मैनेजमेंट का बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। वेल्थ का मतलब होता है पैसा, राइट। तो हर कोई चाहता है कि पैसा हो, अमीर हो, तो उस अमीर को बरकरार रखना है, तो वेल्थ को कैसे ग्रो करें, राइट। दैट इज़ अ टॉपिक। वेल्थ मैनेजमेंट इज़ गेनिंग मोर एंड मोर पॉपुलरिटी इन इंडिया। आजकल ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ को स्टेबल करे, ग्रो करे, फ्यूचर में लाइफ सेफ रखे। तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? सबसे पहला है, वेल्थ मैनेजमेंट हेल्प करता है इन टैक्स प्लानिंग। तो सी आके आपको बताएगा कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स बचाना है, एडवांस टैक्स, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट वी कैन एबल टू नो अबाउट टैक्स प्लानिंग फ्यूचर। हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे जो एक बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है, पर उनको नॉलेज नहीं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। तो लोग वेल्थ मैनेज के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करते हैं, वो उनको एडवाइस करता है ये कंपनी खरीदो, इधर इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है ना यार। पब्लिक इश्यू ऑफ कंपनी, जो कंपनी बहुत पुरानी है, सालों साल चल रही है, अच्छा खासा उनका बिजनेस सेटअप है, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपना शेयर को लिस्ट करके पैसा लेके आ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक इश्यू ऑफ कंपनी। और स्ट्रक्चर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में क्या लिखा है, लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प दी प्रोमोटर विद दियर नीड्स ऑन टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट। जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है वो हेल्प करते हैं कंपनीज को, दे गिव प्रॉपर गाइडेंस ऑन टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट बाय हेल्पिंग देम टू मैनेज एंड इन्वेस्ट देयर वेल्थ। मतलब यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो और ग्रो होगा। वेल्थ ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये एक वर्ड है, बहुत अच्छे से सुन लो। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, जो जो इंसान बहुत ही अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति, बिलियंस में पैसा है, जैसे SRK, अंबानी है ना, टेस्ला, ये सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। तो उन लोग अपना भी क्या करते हैं, हाउर HNWI इज एन इंडियन कंसेप्ट, 81% टोटल वेल्थी हाउस होल्ड बाय कंस्टिट्यूट ओनली 45% टोटल वेल्थ। मतलब इतने लोग में से इतना ही का वेल्थ कंट्रीब्यूट होता है, जिसमें से 20% लोग ही क्या लेते हैं, फाइनेंशियल लोग का एडवाइस लेते हैं। तो ये भी आजकल तेजी से वेल्थ मैनेजमेंट का हेल्प ले रहे हैं। और सीकिंग एडवाइस, मोस्टली क्या करते हैं लोग, एडवाइस लेते हैं फॉर देर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो, पैसा बढ़ा रहे, ओके। वेल्थ एक्यूमुलेशन, इन लोगों को यही सोच है कि जितना हो सके उतना वेल्थ को इकट्ठा करें, जमा करें, ताकि फ्यूचर में सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे, ओके, ताकि कोई भी लॉस हुआ, रिक्स हुआ तो वो झेल सके। प्रोटेक्शन, वेल्थ मैनेजमेंट से प्रोटेक्शन रहेगा लाइफ का, पैसे का। और सेब रेगुलेटरी एक्शन, तो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला सेबी है, जो स्टॉक एक्शन को कंट्रोल करता है, हैज़ बिकम वेरी एक्टिव एंड विजिलेंट ओवर द ईयर्स, ब्लॉक एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस, ताकि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना हो। इसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न सब्जेक्ट है। जब आप बहुत सारे रिच बनेंगे तो ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट, इफ़ पैसा है तो, ओके। तो वेल्थ मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है, कैश इनफ्लोस मैनेजमेंट, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तो वेल्थ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट एसेट्स लाइबिलिटी, और उसके हिसाब से कैश फ्लो मैनेजमेंट को जज करना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो वेल्थ मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट करें, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ओके, या फिर रियल एस्टेट। टैक्स प्लानिंग और टैक्स डेफर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब टैक्स मैनेजर शुड अवेयर ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, कि कितना टैक्स पे करना है। टैक्स डेफर्ड रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट अर्निंग लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, जो इस हाथ से पैसा आता है यह टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो उन लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करके टैक्स का पैसा बचाएंगे। इंश्योरेंस, मतलब कौन सा इंश्योरेंस कराना है जिससे फ़ायदा होता है, कि रिस्क कवर हो जाए। एस्टेट प्लानिंग मीन्स अ क्लाइंट कैन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एसेट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड अपॉन डेथ। जब जो जैसे कि कोई बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो चला जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन इसका वारिस होगा, ये भी सब डिसाइड किया जाता है। बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग मीन्स नॉट ओनली डेली ऑपरेशन बट ऑल्सो एक्सपेंडिंग द बिजनेस, बिजनेस को फैलाना, बढ़ाना, ये भी इसका काम है सोचना। रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब अगर रिटायर होने के बाद कहाँ से पैसा जनरेट होगा, तो ये भी इन लोग सोच के सकते हैं। तो वेल्थ मैनेजर क्या करता है, क्लाइंट का करंट और एस्पिरेशन लाइफस्टाइल देख के उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है, ब्लूप्रिंट एक तैयार करके देगा, यहाँ या इन्वेस्टमेंट करके तुमको टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी मिलेगा। और एक तरफ से ये पूरा हेल्प हो जाता है किसको, इन्वेस्टर को, जो बड़े पैसा वाले, राइट। तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, राइट, और स्कोप। तो दोनों में से आंसर अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी आएगा घुमा के उठा के डाल देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक था। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का गाइडेंस लेना, एडवांस प्लानिंग करना और एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो ये सब फॉर्मा उठा के डाल देंगे, और इसमें जो भी सम्स आने वाले हैं मैंने सब सॉल्व कर दिया, यू कैन चेक माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।